वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बनाने वाले हैं अपनी असेंबली का पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 3 है, इसका नाम है स्वाइवल प्लेट। ये वाला टॉप व्यू है हमारे पास, और ये वाला है फ्रंट व्यू, और ये है इसका सेक्शन व्यू। तो इन व्यूज़ की हेल्प से मैं ये वाला पार्ट इसका बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं ये वाला पार्ट इसका। यहाँ से कट करते हैं और इसको ओके करते हैं। यहाँ से हम इसको न्यू करेंगे, न्यू में जाते हैं, मॉडल है मिलीमीटर मॉडल, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको नाम, चलो बाद में डाल देंगे, मिलीमीटर्स में आना चाहिए। और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नाउ स्टार्ट द मॉडल, चूज स्केच प्लेन। यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फ्रॉम मिड पॉइंट। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ओके, यहाँ से ये वाली वैल्यू है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये 100 होना चाहिए, क्लोज। और यहाँ से अब मुझे ये कर्व बनाना होगा। इस कर्व के लिए यहाँ पे आर्क आती है, यहाँ से आर्क लेते हैं, एक आर्क बना लेते हैं यहाँ से। और मैं ये जो ऑटो कंटीन्यूअस डायमेंशनिंग है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद ये पॉइंट आप ड्रैग कर सकते हो, इधर उधर ड्रैग हो जाता है। यहाँ से चलते हैं और इसको डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन इसकी है मेरे पास 115, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सो यहाँ से चलते हैं रेडियस, सेलेक्ट दिस आर्क एंड फीड 115। ओके, यहाँ से इस आर्क को डायमेंशन करेंगे। और ये जो पॉइंट आ रहा है, जो यहाँ पे आप पॉइंट देख पा रहे हो, इस पॉइंट का डायमेंशन करना है। तो मैं इस पॉइंट को हल्का सा थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ से इसको भी डायमेंशन कर देते हैं, लीनियर डायमेंशन में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 0, क्लोज। ठीक है, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको टेंजेंट करेंगे, यहाँ से चलते हैं कंस्ट्रेंट, सेलेक्ट कंस्ट्रेंट, सेलेक्ट टेंजेंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये टेंजेंट हो जाएगा आपका। और यहाँ से इसको डायमेंशन कर लेते हैं। ये जो आर्क है, ये 115 यहाँ पर आ गया है मेरे पास, और ये मेरे पास आर्क आ गई है। ओके, अब इसको हम मिरर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको बनाते हैं। ये बनने के बाद ही जो वैल्यू है, ये डायमीटर में आई है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये 115 है, तो मैंने इसका डायमीटर 115 डाल दिया है, बल्कि मेरे को यहाँ रेडियस डालना चाहिए था। इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग रेडियस लेते हैं, रेडियस सेलेक्ट करेंगे और इसको रेडियस कर देते हैं, और रेडियस है इसका 115, क्लोज। रेडियस डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद अब बारी आती है इसको मिरर करने की। यहाँ से चलते हैं, मिरर कमांड लेते हैं, ये हमको मिरर करना है, सेंटर लाइन ये वाली होगी। अप्लाई एंड कैंसिल, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ट्रिम कमांड लेते हैं और इसको ट्रिम कर देता हूँ मैं, ये एक्सेसिव पोर्शन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। तो एक्सेसिव पोर्शन यहाँ से ट्रिम कर दिया मैंने। ट्रिम करने के बाद यहाँ से हम बनाएंगे इसको, एक बार डायमेंशन और देंगे इसको वर्टिकल में। ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये आना चाहिए आपको 150। ओके, फिर से मैं डायमेंशन लेता हूँ और यहाँ से लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आनी चाहिए 100, और 100 ही है वो, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये अब इसको थोड़ा सा सेंटर में लाना पड़ेगा। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लीनियर डायमेंशन में चलते हैं, यहाँ से और यहाँ तक इसको हम लोग डालेंगे 50। तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अब देखते हैं इसको क्या कंस्ट्रेंट चाहिए। अब हमारा ये लगभग कंस्ट्रेंट है, और यहाँ से चाहो तो आप एक डायमेंशन और दे सकते हो, और वर्टिकल रेड हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। ये जो आपके पास पॉइंट है, इन पॉइंट को भी अगर आप कुछ डायमेंशन देना चाहते हो, तो इन पॉइंट्स को भी कुछ डायमेंशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं, पर इसका अभी कुछ है नहीं। और
लगभग सब कुछ यहाँ पे मूव हो पा रहा है ठीक से। स्केच नीड्स टू कंस्ट्रेंट, यहाँ पे अभी हमें शायद और एक दो कंस्ट्रेंट हमें डालने होंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल देखते हैं, रेड हो रहा है, कोई बात नहीं। वर्टिकल, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। इसको एक्सट्रूड करना है 20 mm, इसकी थिकनेस 20 mm है, तो यहाँ से इसको 20 mm एक्सट्रूड कर देते हैं। अप्लाई कैंसिल। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्केच करते हैं फिर से और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। अब इसे करते हैं, अभी हमारा ये पॉइंट सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको सेंटर में लेके आना पड़ेगा पहले, तो तभी बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ से स्केच लेता हूँ, स्केच लेने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट प्लेन कर देता हूँ और इस फेस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके, और इसको ज़ीरो रहने देंगे। तो अब जो भी बनेगा इस फेस के बीच में बनेगा और मुझे यहाँ से डायमेंशन लेने में आसानी होगी। अब यहाँ पर चलते हैं, एक आर्क लेते हैं। आर्क लेने के बाद यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस है आर्क की, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 88, इसको 88 डाल दिया मैंने। 88 डालने के बाद यहाँ से 55 है सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ से 55 लेंगे डायमेंशन हॉरिजॉन्टल 55। ओके, सेंटर में लेके आएंगे इसको, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली 55 डिवाइड बाय 2। और क्लोज। अब यहाँ पर जो इसका पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से इसको हम डायमेंशन दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रखना है और 0 कर देंगे, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से हम सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, ये होगा सर्कल रेडियस 8 का, तो यहाँ पे 8 डालेंगे और ये सर्कल बना लेते हैं। रेडियस लेंगे और यहाँ से ये वाला हो जाएगा 8 और ये वाला हो जाएगा 8। क्लोज। हाँ, तो अब इसको बनाते हैं। यहाँ से मैं एक ऑफसेट लेना चाहता हूँ, पहले यहाँ से एक ऑफसेट लेता हूँ, ये वाला मुझे ऑफसेट करना है 8 के ऊपर, और इसको अप्लाई कर देते हैं कैंसिल। अब फिर से मैं यहाँ पर लेता हूँ ऑफसेट, ये वाला मुझे ऑफसेट चाहिए और ये रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, इसको अप्लाई और कैंसिल। इसको मैं जाता हूँ और इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू रेफरेंस, ठीक है। और अब मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रिम, तो अभी ये आपको यहाँ पे मैसेज शो करने लगेगा। यहाँ से अंडू करते हैं इसको। हाँ, ये जो दो डायमेंशन है ये आपको अलग निकालनी है। अब यहाँ से मैं ट्रिम करता हूँ, ये और ये मैं ट्रिम कर दिए। ये जो दो डायमेंशन है इनको आप यहाँ से डिलीट कर दो, ऑफसेट ओवर कंसेंट है, इसमें से कुछ मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम डायमेंशन करेंगे। यहाँ से चलते हैं लीनियर डायमेंशन हॉरिजॉन्टल, और ये है 55 डिवाइड बाय 2, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से भी हम इसको एक बार डायमेंशन कर देते हैं, रेड हो रहा है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंडू करते हैं।
अब इसकी हाइट डालेंगे, तो यहाँ पे ना इन्होंने हाइट नहीं गिवन करी हुई है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। इसको ऊपर की तरफ चलता हूँ मैं, जो मेरे पास असेंबली है वो जो पार्ट है वो यहाँ पे फिक्स होने वाला है, तो ये जो गोल वाला पार्ट है ये यहाँ पर आएगा। तो इसकी इन्होंने वैल्यू 123 दी हुई है, गिवन है यहाँ पे 123, तो मैं इसको नीचे से 123 यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ डायमेंशन, और यहाँ से लेते हैं वर्टिकल, और ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसको 123 हम यहाँ दे देते हैं और कैंसिल। तो स्केच हमारा कंस्ट्रेंट हो गया फुल्ली, इसको फिनिश करते हैं। और ये जो स्केच है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, बैक वाला प्लेन है इसको भी हाइड कर देते हैं। अब यहाँ से एक्सट्रूड लेते हैं, इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, और इसको यहाँ से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, इसको अप्लाई, इसको कैंसिल, ये भी मैं हाइड कर देता हूँ। और यहाँ से अब इस फेस के ऊपर स्केच करेंगे दोबारा से, और इसको यहाँ ये प्लेन ज़ीरो डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सेंटर से लेना चाहता हूँ और ये पॉइंट यहाँ कहीं आता है तो उससे फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसके ऊपर बना लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट कर, ये वाला कर, ये वाला कर प्रोजेक्ट करना है मुझे, अप्लाई एंड कैंसिल। प्रोजेक्ट कर लेने के बाद एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और ऑटो डायमेंशनिंग में ऑफ़ कर देता हूँ। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे और इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, एंड नेक्स्ट थिंग इज ट्रिम द एक्सेसिव पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। और एक्सेसिव पोर्शन हटाने के बाद यहाँ पर आता है मेरे पास टोटल हाइट इसकी है 90, नीचे से लगाना है 90 इसकी टोटल लेंथ है। क्लोज क्लोज करने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो 17 है। यहाँ से चलते हैं लीनियर डायमेंशन, क्लोज। अब इसको करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद इसको एक्सट्रूड कितना करना है, यहाँ पे 31 और 30 दिया हुआ है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं इसको 31 mm एक्सट्रूड कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाले पोर्शन पे क्लिक किया और यहाँ से 31, और इसको सब्ट्रैक्ट नहीं, इसको यूनाइट करना है, अप्लाई एंड कैंसिल। ये बैक वाला स्केच मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अब इसको है ना मिरर कर लेते हैं, ये वाला प्लेन हम लोग कर देते हैं हाइड। यहाँ से मिरर कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से आता है मिरर फीचर में चलते हैं, ये रहा मिरर फीचर। मिरर फीचर लेने के बाद यहाँ से प्लेन आएगा ये वाला, दोबारा से लेते हैं, फीचर है ये, प्लेन होगा ये वाला, और इसको अप्लाई कैंसिल, तो ये मिरर हो जाएगा। यहाँ पे मिरर होने के बाद अभी ये जो थोड़ा सा बना हुआ है ये थोड़ा सा पोर्शन आगे की तरफ एक्सट्रूड हुआ हुआ है, तो मैं 1 mm इसको एक्सट्रूड करूँगा बना के। कैसे करेंगे, स्केच लेंगे, ये बैक वाला प्लेन है, इस पर क्लिक किया। अब चाहो तो इसे हटा सकते हो, इन्फ्रारेड ले सकते हो, ये वाला फेस चाहिए, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व लेना है सिंपल, यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व लिया, ये वाला और ये वाला पोर्शन कैंसिल। अब एक लाइन लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे, इसको सिर्फ एक्सट्रूड करना है 1 mm। अगर आप ये पहले बना लेते तो आपको एक्सट्रूड करना पड़ता 30, तो यूनाइट होगा और ये स्केच में यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है, नेक्स्ट पोर्शन आता है होल। ये होल यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इस होल के अंदर हम लेंगे, यहाँ से होल लेता हूँ। होल लेने के बाद काउंटर बोर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डायमेंशन क्या है। ये जो काउंटर बोर है ये 6 mm डेप्थ के अंदर है, और ये जो अंदर वाला बोल्ट है ये थ्रू आउट है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो इसके अंदर जो बोल्ट आने वाला है वो ये वाला आने वाला है। तो आप देख सकते हैं 30 डायमीटर का है काउंटर, तो 30 डायमीटर मैंने यहाँ डाल दिया, काउंटर बोर लिया। काउंटर बोर की डेप्थ 6 है, बाद में डायमीटर है इसका ये बड़ा वाला 22, और ये अनटिल नेक्स्ट आना चाहिए। स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पर कहीं पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ।
अब इसको बीच में हम लोग ले आते हैं सेंटर में, और उसके लिए लीनियर डायमेंशन यू हैव टू सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग फीट 50, एंड सेलेक्ट अगेन वर्टिकल डायमेंशन, सेलेक्ट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस सेंटर पॉइंट एंड इट इज़ अबाउट, इसकी टोटल हाइट है हमारे पास 150, तो 150 डिवाइड बाय 2, सॉरी 150 नहीं आएगा, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि कितना हाइट में है, ये होगा 115 टॉप से, तो यहाँ पर मैं इसको 115 डाल दूँगा, ओके क्लोज, और इसको फिनिश करेंगे तो आपका एकदम सेंटर में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा और कैंसिल, ठीक है। तो ये वाला बन गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये होल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक 12 डायमीटर है, एक 14 डायमीटर है, 12 डायमीटर ये एक्चुअल में टेपर है, एक होल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे असेंबली के अंदर वो पार्ट है जो इसके अंदर फिक्स होने वाला है वो एक्चुअल में ये वाला पार्ट है, तो इसके अंदर मैं एक 14 डायमीटर का होल बनाऊंगा और उसे 1/50 का टेपर दे दूंगा, तो ये थ्रू आउट होगा क्योंकि इसके अंदर एक पिन टाइप कुछ इसके अंदर फिक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, होल लेते हैं, सॉरी होल नहीं लेना है, इसके अंदर स्केच लेते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट किया और ओके, अब इसको डायमेंशन करेंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, यहाँ एक सर्कल बनाता हूँ, ऑटो डायमेंशनिंग ऑफ कर दिया मैंने, इसको डायमेंशन करेंगे और यहाँ से इस लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करना है, वर्टिकल पॉइंट और लाइन ये हो जाएगा हमारा 14, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये वाला हो जाएगा हमारा 15, वर्टिकल हाइट तो हमारी ये है, और ये 15 यहाँ से आएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और यहाँ पे आएगा 115, ओके इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ये 14 हो जाएगा और ये 15 हो गया, ओके अब इसको फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में होल सेलेक्ट करना है, इसकी रिवर्स डायरेक्शन करनी है, इसको करना है अप टू नेक्स्ट अंटिल नेक्स्ट, इसको करना है यूनाइट, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इसको, और यहाँ से जो ड्राफ्ट है स्टार्ट फ्रॉम लिमिट, और जो ड्राफ्ट थी 1/50 की वो यहाँ पे डालनी है, और इसको अप्लाई कर देना है, नहीं हुआ तो एक सेकंड इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, हाँ यहाँ से लेते हैं वैल्यू, वैल्यू को इसको थोड़ा सा हम क्रॉस निकाल देते हैं और अप्लाई एंड कैंसिल, इस एक्सट्रूड को एक बार फिर से हम लोग हाईलाइट करते हैं, और यहाँ पर जो ड्राफ्ट एंगल है 1/50, इसको अंडू करते हैं, अब यहाँ से हम लोग लेते हैं एक्सट्रूड और इस होल को सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ बाहर, और यहाँ पर ड्राफ्ट डालेंगे 1/50, ये कुछ इससे थोड़ा सा छोटा होगा होल, और इसको अप्लाई करते हैं,
इसके लिए हम गाइस एक काम कर लेते हैं, इसको मैं ये वाला जो मैंने होल बनाया है इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेते हैं, और ये स्केच भी हमें नहीं चाहिए, और इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में टेपर होल है, तो इसके लिए मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, जो कि यहाँ से ले लेते हैं 14 mm नीचे एक प्लेन बना लेते हैं, और इसको रिवर्स करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 14। तो एक 14 mm पे एक प्लेन बनाएंगे और कैंसिल। यहाँ से हम लोग लेते हैं स्केच और ये वाला जो प्लेन है, और ओके। अब यहाँ से एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, यहाँ से एक स्केच ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको डालते हैं हम लोग डायमेंशन, ये 14 डायमीटर का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम डालेंगे 7 डालेंगे यहाँ पे हम, और कैंसिल। इसको थोड़ा सा हम साइड में लेकर आते हैं, और ये 12 है तो इसको डाल देते हैं हम लोग 6। अंडू करते हैं, और नॉर्मल, हाँ इसको ऐसे रखते हैं। इसको अंडू करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, ये ऐसा था है ना। और यहाँ से लीनियर डायमेंशन, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ये 6 और ये वाला पोर्शन 14 है, तो ले लेते हैं 7। ठीक है, ये बनाने के बाद अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डायमेंशन करते हैं, सेंटर में लेकर आते हैं इसको, ये आएगा 15। तो यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेते हैं, और ये और यहाँ से ये आएगा 15। ओके, क्लोज। और इसकी लेंथ हम लोग कर देते हैं यहाँ से चलते हैं कंस्ट्रेंट्स में, और यहाँ पे आता है कोलीनियर, ये वाला इसकी एकदम सीध में आना चाहिए, और ये वाला इसकी सीध में आना चाहिए, क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद अभी इसको हम रिवॉल्व कराते हैं, यहाँ से चलते हैं और लेते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व लेने के बाद कर्व है हमारी ये वाली, और यहाँ से एक्सिस है हमारे पास ये, और पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं। एक बार फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कर्व होगा ये वाला और एक्सिस होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। और 360 रिवॉल्व होना चाहिए, बूलियन में ये होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, अप्लाई और कैंसिल। तो ये टेपर्ड होल यहाँ पर आ गया, और इसको हाइड कर देंगे, इस पोर्शन को भी हाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से होल थोड़ा सा बड़ा होगा और एक तरफ से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल, ये थी हमारी स्वाइवल प्लेट। ओके, तो ये था गाइस हमारा पार्ट नंबर 3 जो इस मॉडल का हमने बनाया है, और इसमें कुछ बचा नहीं है, सब हमने इसके अंदर बना दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मॉडल था, एंड अभी इसकी मैं और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाऊंगा, जितने भी ये पार्ट्स हैं हमारे पास।
तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।